खाना जो पीसीओडी और पीसीओएस के लिए बहुत अच्छा है। हाय दोस्तों, मेरा नाम है कोमल राजपूत और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल जिसका नाम है ओमयोगा हेल्थ केयर। तो सबसे पहले है सैल्मन, यानी कि फिश, जो कि आई थिंक आपके घर के बाहर या फिर मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और ये सैल्मन फिश इसलिए खानी चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 इसके अंदर है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसके अंदर है, जो कि आपकी बॉडी को एक्चुअली स्ट्रॉन्ग करता है और जितने भी विटामिन मिनरल्स हैं वो प्रोवाइड करता है। सेकेंड, फ्रूट्स भी इजीली अवेलेबल है मार्केट में। और अगर कुछ फ्रूट जो कि अफोर्डेबल नहीं है, एप्पल तो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है और डॉक्टर्स भी बोलते हैं एप्पल अ डे की डॉक्टर्स, तो ये इसीलिए बोला गया है क्योंकि एप्पल्स में सबसे ज़्यादा फाइबर्स रहते हैं और ये जो है आपको डायबिटीज़ जैसी बीमारी में भी हेल्प करता है कि आपको ना हो। थर्ड, ब्लूबेरी। वैसे तो सारी बेरीज आपको खानी चाहिए बट ब्लूबेरीज पीसीओडी और पीसीओएस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें है एंटीऑक्सीडेंट्स और ये आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इंक्रीज करता है। फोर्थ, फ्लैक्स सीड्स। वैसे तो सीड्स भी सारे खा लेने चाहिए बट पीसीओडी में फ्लैक्स सीड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी बॉडी में जो हार्मोनल इश्यूज होते हैं पीसीओडी और पीसीओएस में उसे ये कंट्रोल करता है। फिफ्थ, पम्पकिन सीड्स। सो पम्पकिन सीड्स बेसिकली आपकी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज हुआ होता है उसे कंट्रोल करता है या कम करता है, जिसकी वजह से आपके जो चेहरे पे बाल होते हैं या फिर आपके चेस्ट के अराउंड बाल होते हैं या बहुत सारे अनवांटेड हेयर ग्रोथ जो हो जाती है उसे कंट्रोल करता है। सिक्स, चिकन ब्रेस्ट। वैसे तो पूरा चिकन है वो हेल्दी रहता है आपकी बॉडी के लिए बट पीसीओडी या पीसीओएस जिसको है उसे सिर्फ चिकन ब्रेस्ट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है वो इसी में रहता है। सेकेंड, इसमें फैट जो है वो कम रहता है और आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको मेंटेन करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सेवेंथ, एवोकाडो। एवोकाडो जो है वो वैसे तो पूरी दुनिया को खाना चाहिए बिकॉज इट्स वेरी हेल्दी, दो इट्स टेस्टलेस, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन योर डाइट क्योंकि आपकी डाइट में अगर आप दिन में एक बार भी एवोकाडो ले रहे हो तो आधी से ज़्यादा बीमारियाँ तो ऐसी ठीक हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि इसमें जो है एसेंशियल फैटी एसिड्स जितने भी हैं वो सारे इसमें रहते हैं। सेकेंड, ये आपके हॉर्मोन्स को मेनटेन करता है और स्पेशली फीमेल्स में जो इनके हॉर्मोन जो है उनको रेगुलेट करता है और जो भी आपको ओवरी रिलेटेड प्रॉब्लम है या पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम है उन सबको भी ये हेल्प करता है रिमूव करने में। सो गाइस, ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप लोगों को पीसीओडी या पीसीओएस है गर्ल्स, सो प्लीज़ डू फॉलो दिस एंड यू विल एक्चुअली विल फील द डिफरेंस इन योर बॉडी एंड शायद आपको एलोपैथी या फिर किसी और मेडिसिन पर डिपेंड भी नहीं होना पड़ेगा क्योंकि ये घर पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं। So guys, if you gain any knowledge from this video, do like, subscribe, comment, and share.